Hello friends, welcome to my channel, it's Baby Life. Today I am going to discuss some interesting daily use sentences with some interesting vocabulary. So let's have a look at them. First one is, usne ball chhod di ya miss kar di. He missed the ball. He missed the ball. Agar usne catch miss kar diya to aap bol sakte hain he missed the catch. Miss means to fail to catch something. Kisi cheez ko pakadne mein fail ho jana. To aise use karenge yahan pe. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, मेरा सर मत खाओ. इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे डोंट नैग मी. डोंट नैग मी, नैग का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना लगातार किसी चीज के लिए. सपोज बच्चे बोलते हैं कि मम्मा मुझे यही चाहिए यही चाहिए, तो ऐसे वो सर खाते हैं पेरेंट्स का. मम्मी हमेशा होमवर्क के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती है, तो इसको भी हम नैगिंग बोलते हैं. मॉम ऑलवेज नैग्स मी फॉर होमवर्क. मतलब किसी को किसी चीज करने के लिए बार बार बोलना, दैट इज ऑल्सो नैग्स. पूरी तरह पागल लग रहा है. ही सीम्स टू बी टोटली मैड. ही सीम्स टू बी टोटली मैड. इस तरीके से हम सेंटेंस हमें न्यूज़पेपर में फॉर्मल राइटिंग में यूज करते हैं. आज मेरी बस छूट गई. आज मेरी बस छूट गई. I missed my school bus today. I missed my school bus today. तो यहाँ पे भी एक वो टारगेट था, उसको आप कैच नहीं कर पाए, तो ऐसे मिस का आपको यूज़ करना है. ड्रिबल और शूट क्या होता है बास्केटबॉल में? ड्रिबल होता है भागते भागते बॉल को बाउंस करना, और शूट होता है बास्केटबॉल में बास्केटबॉल को बास्केट में डालना. ही इज़ ड्रिबलिंग द बास्केटबॉल. मतलब वो बास्केटबॉल को बाउंस करते हुए भागते हुए बाउंस कर रहा है. और शूट द बास्केटबॉल मीन्स थ्रो द बास्केटबॉल इन द बास्केट नेट. ओके, ओह मुझसे फिर से छूट गया. ओह आई मिस्ड इट अगेन. सपोज बॉल वापस छूट गई तो आप बोल सकते हैं ओह आई मिस्ड इट अगेन. किसी टारगेट को हिट करने में आप मिस हो जाते हैं तो भी आप बोल सकते हैं ओह आई मिस्ड इट अगेन. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, वह बहुत शेखी भखाड़ता है. मीन्स डींगे हाँकता है. इसको हम बोलेंगे ही ब्रैग्स और बोस्ट टू मच. He brags or boasts too much. Brag या boast means किसी चीज़ के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के घमंड से बातें करना. मेरी कार पार्किंग से गायब है. My car is missing from parking. यहाँ पे ये missing adjective की तरह वर्क कर रहा है. My car is missing from parking. मैंने अपना आपा खो दिया. I lost my temper. I lost my temper. I missed my temper यहाँ पे नहीं लिखेंगे. Miss means छूटना, ये यहाँ पे lost ही आएगा, तो missed अगर आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा. Next sentence we have, हमारे पास एक ही चाबी है तो इसे खोना मत. We have only one key, so don't lose it. We have only one key, so don't lose it. तो जैसे होता है घरों में किसी के पास एक ही चाबी गाड़ी की हो तब बोल सकते हैं वो एक विकेट से हार गए. They lost the match by one wicket. वो एक विकेट से क्रिकेट मैच हार गए. They lost the match by one wicket. Next sentence we have, किसी भी गेम में हार जाना तब हम लूज यूज़ करेंगे. ओके, मुझे चॉकलेट खाना पसंद है. I like to eat chocolate or I like eating chocolate. आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं. I like to eat chocolate. I like eating chocolate. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, उसे जल्दी उठना पसंद नहीं है. ही डजंट लाइक गेटिंग अप अर्ली. ही डजंट लाइक गेटिंग अप अर्ली. एक बात ध्यान रखनी है, एन्जॉय के साथ हमेशा आई एन जी फॉर्म ही आएगी, टू इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आएगी. लाइक टू गेट वो नहीं आएगा. दीपिका ने बुरे समय में मेरा साथ दिया. दीपिका बैक्ड मी अप इन माई बैड टाइम्स. दीपिका बैक्ड मी अप इन माई बैड टाइम्स. मतलब किसी को इमोशनल या मॉरली सपोर्ट करना, मतलब वो टूट गया हो तब उसे आप सपोर्ट कर सकते हैं. लाइक पेरेंट्स हमें बैकअप करते हैं जब हम फेल हो जाते हैं, तो पेरेंट्स हमें ढांढस बंधाते हैं कि कुछ नहीं होगा. मुझे ये रिपोर्ट 5 बजे तक भेजनी है. आई हैव टू सेंड दिस रिपोर्ट बाई 5 o'clock. आपके ऊपर कंपल्शन है, आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको भेजनी है 5 बजे तक कैसे भी. तो जब भी कंपल्शन होगा तो हैव या हैज टू. मम्मी मुझे पार्क जाना है. मम्मी आई एम टू गो टू पार्क. मतलब खुद की इच्छा से जाना,
कोई कंपल्शन नहीं होना, प्रेशर नहीं होना, तब हम इज एम आर प्लस टू का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, इच्छा के लिए इज एम आर और प्लस टू. मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है, कंपल्शन है. आई हैव टू गो टू स्कूल, कोई प्रेशर डाल रहा है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है. आप खुद नहीं जाना चाहते, तब हम हैव और हैज़ टू का यूज़ करेंगे. ओके, ही शीट के साथ हैज़, आई यू वी दे के साथ हैव. राहुल को घर जल्दी जाना था, पास्ट में अपन खुद की इच्छा से जाने के लिए बोलते हैं. राहुल वॉज टू गो टू होम अर्ली. राहुल वॉज टू गो होम अर्ली, खुद की इच्छा से वो जाना चाहता था, इसलिए हमने वॉज और वर यूज़ किया है. और कंपल्शन होगा तो हैड आ जाएगा. दिया को कपड़े धोने पड़े या पड़ते थे. दिया हैड टू डू द लॉन्ड्री और दिया हैड टू वॉश द क्लोथ्स, मीन्स उसे मजबूरी में वो काम करना पड़ता था, इसलिए हमने हैड टू यूज़ किया. अगर खुद की इच्छा से धोती तो वॉज या वर्ड टू ऐसे यूज होता. दिया वॉज टू डू द लॉन्ड्री, अगर खुद की इच्छा से करती तो. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं. लाइक आई एम हैविंग टू डू द लॉन्ड्री, और मुझे वो नौकरी करनी पड़ रही थी फ्यू पास्ट में. आई वॉज हैविंग टू डू दैट जॉब, कोई कंटिन्यू एक्शन होगा तो आई एम हैविंग टू और वॉज हैविंग टू. क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ. कैन आई काउंट ऑन यू, कैन आई काउंट ऑन यू, आपका आंसर हो सकता है येस यू कैन काउंट ऑन मी, या फिर येस यू कैन सिंपली. काउंट ऑन मीन्स भरोसा करना, किसी पर रिलाय करना. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, क्या आप मेरा एक काम कर दोगे. अगर आप फॉरेनर से पूछेंगे ऐसे, विल यू डू मी अ फेवर, उसका आंसर होगा श्योर आई विल, मीन्स हाँ ज़रूर. तो आप ऐसे वो श्योर आई डू, श्योर आई विल, श्योर आई कैन, वो इस तरीके से आंसर करते हैं. इसरो के कर्मचारियों का मनोबल बहुत ज़्यादा था चंद्रयान 2 की लैंडिंग से पहले, तो इसको हम बोलेंगे इसरो एम्प्लॉयज मोरेल वॉज वेरी हाई. मतलब कॉन्फिडेंस होना किसी चीज़ के ऊपर, जब कोई चीज़ बहुत खतरनाक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है तब जो कॉन्फिडेंस होता है उसको बोलते हैं मोरेल. वह अल्पभाषी है, मीन्स कम बोलती है. शी इज़ रेटिसेंट और रिजर्व्ड और टेसिटर्न और टाइट लिप्ड. इसका अपोजिट होता है बातूनी, मीन्स लोकेशियस, जो मतलब लोगों को चीज़ों के बारे में बताना नहीं चाहता. लाइक हमारे जो पिछले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तुमने एक फाइल के लिए पूरा घर उथल पुथल कर दिया, मीन्स खराब कर दिया. यू टर्न द होल हाउस अपसाइड डाउन फॉर अ फाइल. इसके कुछ और एग्जांपल्स मैंने पिछले वीडियोस में दिए हैं, उसकी डेफिनेशन भी है, आप देख सकते हैं. यू टर्न द होल हाउस अपसाइड डाउन फॉर अ फाइल. उन्होंने आर्थिक मंदी पर चुप्पी साध ली. कल एक न्यूज़ आई थी निर्मला सीतारमन की, उसमें लिखा था शी वॉज टाइट लिप्ड अबाउट द इकोनॉमिक स्लो डाउन. शी वॉज टाइट लिप्ड अबाउट द इकोनॉमिक स्लो डाउन. चुप्पी मीन्स टाइट लिप्ड और इकोनॉमिक स्लो डाउन आर्थिक मंदी. मुझे कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेनी है. फॉरिनर्स इसको ऐसे बोलते हैं आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क फॉर सम डेज. आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फॉर फ्रॉम वर्क फॉर सम डेज. तो टेक अ ब्रेक मीन्स किसी चीज़ से आप छुट्टी लेना, आराम लेना. उसने अपनी व्यस्त जिंदगी से आराम लिया. ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम हिज बिजी लाइफ. ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम हिज बिजी लाइफ. बिजनेसमैन अक्सर बोलते हैं ऐसे आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई बिजी लाइफ. उनका व्यवसाय बहुत तेज गति से लोकप्रिय हो रहा है, मीन्स प्रसिद्ध हो रहा है. हिज बिजनेस इज टेकिंग ऑफ एट अ वेरी फास्ट पेस. टेक ऑफ का मतलब यहाँ पे पॉपुलर होना होता है, कि मतलब पॉपुलर हो रहा है. His business is taking off at a very fast pace. Fast pace means तेज गति. उसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं सुनेगा. It's no good or use telling him he won't listen. It's no good or use telling him he won't listen. तो आप यहाँ पे it's no good का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं है. Payday. Payday क्या होता है? The day जिस पे employees को उनकी सैलरी मिलती है. My payday is on 10th of every month. मुझे हर महीने की 10 तारीख को तनख्वाह मिलती है. ये इसका मीन है. एक्चुअल मीनिंग हिंदी का नहीं हो सकता. मेरे माता पिता ने मुझे बड़ा किया. My parents brought me up. जब किसी के द्वारा होता है तो bring me up यूज़ होता है. I grew up in the village. मैं गांव में बड़ा हुआ. जब खुद की तरफ से बोले तो आप grew up बोलेंगे, और जब पेरेंट्स की तरफ से बोलना हो तो माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप. मैंने डांस शुरू कर दिया, मतलब एज अ हॉबी. आई टुक अप डांसिंग, मतलब किसी हॉबी को शुरू करना,
तब बोलते हैं टेक अप हॉबी का नाम, आई टुक अप डांसिंग. तुम्हारे कपड़ों ने अलमारी में सारी जगह घेर रखी है, ये यूजुअली हम बोलते हैं लड़कियों के लिए. योर क्लोथ्स हैव टेकन अप ऑल द स्पेस इन द वार्डरोब. टेक अप का मीन्स होता है जगह घेरना. यू हैव योर क्लोथ्स हैव टेकन अप ऑल द स्पेस इन द वार्डरोब. बेड के किनारे पर मत बैठो, तुम गिर जाओगे. बच्चे बैठते हैं, मेरा बच्चा बैठा था एक दिन, गिर गया था. डोंट सिट ऑन द एज ऑफ बेड, यू विल फॉल डाउन. डोंट सिट ऑन द एज ऑफ बेड, यू विल फॉल डाउन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. वह एक चालाक या सयाना या समझदार व्यापारी है. ही इज़ अ श्रूड बिजनेसमैन. मतलब जो सिचुएशन को समझ के उसको अपने फायदे के लिए यूज़ करता है उसको बोलते हैं श्रूड. ओके, दैट्स ऑल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए. और नाउ माय बेबी है वोक अप, सो आई हैव टू गो. थैंक यू, बाय बाय.